हसन कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा हसन कहाँ जा रहा है? वो घर छोड़कर जा रहा है। क्या पागल हो गया? मैंने ही उसे जाने का कहा है। आखिर को यही तो होना है, जितनी कम टूट फूट के साथ हो बेहतर है। अच्छा, तो ये साजिश आपकी है? जी, हमारे बच्चे साथ रहकर खुश नहीं रह सकते, तो बेहतर है अपना जहां अलग अलग बसा लें और खुश रहें। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तो और क्या करूं? आप अपने बच्चों को लड़वा रहे हैं और मैं बैठकर तमाशा देखती रहूं, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अभी क्या अच्छा हो रहा है? वैसे मैं सोच रहा था आतिफ से कुछ पैसे उधार ले लूं। आप आतिफ से पैसे ले सकते हैं, मुझसे नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं इसे लूंगा। आए मामा। बेटा ये पैसे रख लो। मामा मुझे नहीं चाहिए। रख लो, तुम्हारे डैड के नहीं है। जब जरूरत होगी तो आप ही से कहूंगा। तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और स्कूल लंच बॉक्स घर भूल जाते थे तो मैं कितनी परेशान हो जाती थी, पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, कहीं भूखा ना हो। अगर तुमने ये पैसे ना लिए ना तो मुझे फिर वही फीलिंग्स होंगी। तुम लोग गाड़ी में सामान रखो, मैं कुछ लेकर आती हूं। किसकी इजाजत से घर छोड़ के जा रहे हो? अपने जमीर की इजाजत से। बाप से पूछना तक गवारा नहीं किया? इस बार सिर्फ खुद से पूछा और खुद ही फैसला किया। 4 दिन धक्के खाओगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ, जलील हो। ये लो बेटा। लंच। बेटा एक बात याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में और वही सबका वारिस है। जाओ अल्लाह के सुपुर्द।